अस्सलाम वालेकुम वीर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टे टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये सेक्टर एम और एन के दरमियान जो एवेन्यू है उसका ये राउंड बोट है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सामने रोड वन भी कनेक्ट होगा, ये सामने मस्जिद के एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये देखें स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस साइड पर एवेन्यू 120 ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा एन साइड पर हूँ और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस साइड को थोड़ा सा देख सकूँ। ये बेसिकली सामने एवेन्यू 150 एन साइड की तरफ आएगा ये सामने, और यहाँ पे एक ये मशीन काम कर रही है, ये देखें। और ये P5 मतलब साइड मुझे लगता है कि बनती है, तो मैं ये बैक साइड पे भी थोड़ा सा देखता हूँ, क्योंकि आज मैंने स्पेशल तैयारी साइट विज़िट के हवाले से की है। ऑफ़िस की तैयारी से पहले मैंने सोचा कि साइट विज़िट करते हैं, और इस साइड पर ये 7 कमर्शियल आएँगे, फिर 26G सेट रेट है, 26K भी ये इसी साइड पे आएगी, कुछ हाइट पे है, कुछ आगे थोड़ा डाउन साइड पे आएगी। और यहाँ से आप थोड़ा दूर देखेंगे तो ये देखें सेक्टर के क्यूब अपार्टमेंट्स, सेक्टर आपको बड़ा क्लियर नज़र आता है सामने। मौसम थोड़ा सा क्लियर है, पहाड़ों के पास अभी भी थोड़ी सी डस्ट फॉग जमा हो रही है, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस साइड पर ये देखें सी एवेन्यू का ये रॉयल एंड रेजिडेंसी की जो बिल्डिंग है वो है, और ये सेक्टर सी रोड वन ऊपर हाइट पे, और आगे सारा सेक्टर सी के वन कनाल के पार्ट्स हाउसेस। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको सराउंडिंग व्यू दिया है, और यहाँ से आप अगर व्यू लेंगे सामने पार्क व्यू सिटी का तो वो भी बड़ा क्लियर आपको नज़र आता है। ये सामने यहाँ पे फाउंटेन आपको शाम को दिखाई देगा, और अदरवाइज़ ये सारे मार्केला हिल्स व्यू मिलेंगे आपको सामने। तो बहरहाल जो मेन चीज़ है हम वो डिस्कस करेंगे आपसे। और इस साइड पर आप लोग जानते हैं सारा सेक्टर में आगे वन कनाल है, फिर ये इस साइड पर 10 मरला, और सामने ये रोड वन बी के राइट साइड पे 5 मरला के हाउसेस नज़र आ रहे हैं आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं, धूप तेज़ है, हबस है, तो आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन कहाँ पे काम कर रही है। लेकिन पहले मैं ज़रा ये पी वाली साइड पीछे देख लूँ इस साइड पे। जी व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मैं बैक साइड पर आऊँ, ये सामने था पहले, ये देखें सामने राउंड बाउट है, और ये P5 मरला की लाइन है इस तरह से, पीछे रिटेनिंग वॉल है, और इसके बैक पे सेक्टरी नंबर 4-8 मरला, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिवरेज है उसके इन्होंने होल बनाने शुरू कर दिए हैं, ये देखें सामने एग्जैक्ट सेक्टर नंबर 4 की आपको ये साइड दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये रिटेनिंग वॉल है। पहले मैं ये वॉल के ऊपर से आपको दिखाता हूँ इसकी लोकेशन। अब जो कि मैं थोड़ा आगे आया हूँ एन साइड की तरफ, तो यहाँ से मैं आपको ये थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। आज वैसे छुट्टी है 9-10 मुहर्रम की, आज 9 है कल 10 मुहर्रम है, तो इस वजह से काम तो बंद होगा, लेकिन मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ जस्ट साइट के हवाले से कि इस टाइम यहाँ पे ये करंट सिचुएशन है। और सेक्टर नंबर 4 फिर ये साथ साथ ऐसे नीचे आनी है इस तरफ को, और ये डाउन साइड है ऐसे, और आगे ये जो मशीन काम कर रही है ये देखें, ये बेसिकली P5 मरला की जो साइट है उसके ऊपर काम हो रहा है। ये पीछे रिटेनिंग वॉल है इस साइड पर, ये P5 मरला जो एन साइड की तरफ लोकेशन आती है, ये एवेन्यू साथ साथ है ऐसे, ये देखें ये एवेन्यू जा रहा है साथ साथ ऐसे, और ये पीछे राउंड बोट आ जाता है ऐसे, और सामने ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 26K 26G इस तरह से आगे, फिर 26EF इस तरह आगे जाके पार्क एरिया यहाँ पे सामने इस साइड पे, और आगे फिर रोड 1A क्रॉस करेगा हिल को इस साइड पे, 26E साइड रेट सामने आएगी, फिर इस साइड पर थोड़ा नीचे 26ABC सामने। ऑलरेडी वो लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, तो ये देख सकते हैं इस टाइम पे यहाँ पे जो वर्क है वो तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये वर्क है P5 मरला साइड पे इस तरह से, और डेफिनेटली ये साइट क्लियर है तो काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ कोई इश्यू होता तो ये मशीन यहाँ पर ना होती। और अब इनकी बारी इस एवेन्यू को बनाने की आएगी, और मेरे ख्याल में करीब काम शुरू करेंगे, क्योंकि पीछे वाला एवेन्यू सारा कम्प्लीट हो चुका है। वापसी पर थोड़ा सा मैं आपको व्यू दूँगा उसका भी। तो ये यहाँ पे अपडेट्स हैं, अक्सर लोग पूछते हैं जी हमें 26 अल्फाबेटिक का बताएं, एन साइड पे काम हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि 19ABCD इस पहाड़ियों के दूसरी साइड पे है, वो तो मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो ये जो लोकेशन है, अब ये चूँकि इस पर काम नहीं होता, इसको मैं विज़िट करता रहता हूँ, क्योंकि ये सामने प्रॉपर आपका रोड बना हुआ है, यहाँ तक आप आते हैं तो ये सारा व्यू आपको देख सकते हैं, ये सारा व्यू आपको मिलता है यहाँ से ना, ये देखें। तो जब यहाँ पे कोई काम स्टार्ट होता है तो डेफ़िनेटली मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ, जैसे अब ये मशीन काम कर रही है बाय चांस ये मतलब मेरा भी विज़िट हुआ है तो ये भी यहाँ पे नज़र आई है, तो मैंने अपडेट किया है, हालांकि आज छुट्टी होनी चाहिए थी लेकिन ये फिर भी काम कर रहे हैं। तो लैंड का तो यहाँ पे मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है,
जस्ट अब ये काम स्पीड से करें तो मेरे ख्याल एवन्यू तो इनका ये 1.5-2 महीने में ये आगे तक कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद ये एरिया भी कंप्लीट हो सकता है, ये लेफ्ट साइड का जो कटिंग हो चुकी है एरिया की वो भी ये कंप्लीट कर सकते हैं 3-4 महीने में। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये काम की स्पीड जो है वो किस तरह रखते हैं आने वाले टाइम में। तो बाकी जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए जस्ट मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि इस साइड पर बेसिकली क्या हो रहा है, जैसा कि P8 मरला है उस साइड पर क्या अपडेट्स हैं, और इस साइड पर ये देख सकते हैं जो एवेन्यू N की साइड पे आना है तो उस साइड पर ये P5 मरला साइड पे काम कर रहे हैं। और सामने अगर मैं थोड़ा जूम करूं, ये बेसिकली 26 ABCD कह रही है, ये सामने जो एक ये कोई आदमी आगे मेरे ख्याल जा रहा है, ये बेसिकली 26 ABCD का एरिया है, और ये साथ ही एवेन्यू 11A आएगा और उसके आगे फिर Road 1B है, स्ट्रीट 34D। तो फिलहाल इस साइड से मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसका इस तरह सराउंडिंग व्यू देता हूँ, ये देखें ऐसे ये पूरा व्यू है इस साइड का। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियोज़ देखते रहें तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो समटाइम बिज़ी भी होते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि व्हाट्सअप कर दिया करें तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे एवेन्यू का भी व्यू देता हूँ, कुछ लोग नए होते हैं तो वो भी देखना चाहेंगे तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। राउंड बोर्ड तक जो एवेन्यू M साइड से है वो कम्प्लीट हो चुका है, और उसके बाद फिर ये जो एरिया मैंने अभी आपको दिखाया है इस पर इन्होंने काम करना है। तो अब देखते हैं कि ये कब काम स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं आगे एवेन्यू की तरफ, स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, हम गाड़ी में आ चुके हैं और जस्ट मैं आपको ये थोड़ा सा राउंड बोर्ड का एरिया दिखा के तो वापस जो एवेन्यू है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखें ये प्रॉपर जो राउंड बोर्ड है कम्प्लीट हो चुका है, और थोड़ा स्पीड से यहाँ पर मूव करते हैं। ये सामने सारा सेक्टर है, ये सामने कमर्शियल 5 मरला, और ये सामने Road 1B आएगा सेक्टर N साइड से, और ये आपका राउंड बोर्ड कंप्लीट हो चुका। और यहाँ से थोड़ा सा मैं व्यू दे दूँ जो मैंने आपको साइड दिखाई है ताकि आपको आइडिया हो। ये देखें सामने मशीन काम कर रही, ये देखें तो ये देख सकते हैं सामने, ये सामने एवेन्यू जो अभी हम आपको डिटेल में दिखा रहे थे तो ये सारी लोकेशन है। तो मैंने जस्ट आपको ये आइडिया देना था कि मैं किस जगह पे था और इस टाइम पे मैं किस जगह से आउट कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा एवेन्यू का एरिया दिखाते हैं। वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है लेकिन फिर भी कुछ नए लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये सामने कमर्शियल सेक्टर M, ये देख सकते हैं आप, और सामने खूबसूरत मरी के व्यू आपको मिलते हैं, और इस साइड पे आप देखेंगे तो P5 मरला। तो अब देखते हैं ये बाकी जो काम है इसका, सर्विस रोड इन्होंने निकालना है रेजिडेंशियल एरिया का, इस तरह कमर्शियल का भी सर्विस रोड शायद निकालेंगे क्योंकि मेन एवेन्यू के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल आपको पार्किंग मिलेगी। वैसे तो लगा सकते हैं गाड़ी लेकिन जो प्रॉपर आपका रोड होगा वो सर्विस रोड होगा। तो बाकी ये थी लोकेशन, स्पेशली काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ 26 अल्फाबेटिक साइड पे अभी हमें दिखाया जाए, तो अब मैंने कोशिश की है कि कुछ आपको आइडिया दे सकूं। बाकी जब भी कोई यहाँ पे मज़ीद काम होगा तो डेफिनेटली आपके कहे बगैर वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन इस तरह की लोकेशन पे मतलब आप तो कुछ लेवल कर दी उन्होंने साइट वगैरह, ये एवेन्यू का एरिया सारा तो कुछ क्लैरिटी आपको नज़र आती है। तो बाकी जब भी यहाँ पर कोई भी डिवेलपमेंट वर्क होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि काम मैंने बताया कि 9-10 मुहर्रम में छुट्टियां हैं तो काम फ़िलहाल जो है वो स्टॉप है, लेकिन मैं आपको एक व्यू दूंगा यहां से। ये राइट साइड पे एवेन्यू 100 है और लेफ्ट साइड पे एवेन्यू 101 निकालना है, लेकिन वो अभी काम तो उस पर नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। ये सामने से निकालना है बेसिकली, मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये एरिया सामने पी न्यू डील के जो प्लॉट्स थे 10 मरला, वो आप देख सकते हैं सामने उसके साइट, ये बिल्कुल सामने है, ये देख सकते हैं सामने। तो ये कंडीशन है उसकी, तो काफ़ी कटिंग वगैरह हो चुकी है वहाँ पे, पत्थर वगैरह भी काफ़ी उन्होंने उठा लिए हैं। अब लेट्स सी के स्ट्रीट की जो शेप है, सिवरेज है, वो कब डालते हैं, तो जैसे ही मज़ीद अपडेट होगी तो वह भी हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। ये बेसिकली साइट है सामने एवेन्यू 101, ये देखें ये इस एवेन्यू से आगे जाएगा सीधा स्ट्रेट, और ये सामने जो मैंने स्ट्रेट 4 आपको दिखाई थी, ये जो वॉल आपको नज़र आ रही है इसके पीछे लेफ्ट साइड पर स्ट्रेट नंबर 4 8 मरला सेक्टर P,
और ये पूरा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ इस तरह से। ये आपका एवेन्यू 120 कंप्लीटेड और सामने कमर्शियल। तो चलते हैं वापस किसी और साइट की तरफ, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।